एक ऐसा शत्रु जो आपके घर में और आपके बीच में ही छुपा है। ये कोई अनजान भी हो सकता है और कोई आपका सगा संबंधी भी, क्योंकि आप लोगों का एक नेचर है, एक स्वभाव है। आप लोग प्रति एक व्यक्ति पर हक से भरोसा कर लेते हैं और उसको अपना मान लेते हैं, यहां तक कि आप उसे पर अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपका एक अच्छा नेचर है, एक अच्छा स्वभाव है जो हर किसी के प्रति एक संवेदनशीलता रखता है। संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए आप लोगों के अंदर एक बहुत ही स्वभाव होता है। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही बातों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को प्रत्येक भविष्यवाणी के बारे में पता लगे। दोस्तों, यूं तो भविष्यवाणी 100% सटीक नहीं हो सकती है, किंतु आप इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली समस्या से आपको कितना नुकसान होगा और कितना फायदा। मेरे मित्रों, यह एक ऐसा इंसान है जो आपको पूरी तरह से मिटाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। यह आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र भी करता रहा है, लेकिन आपको इसके बड़े में भटक नहीं है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको इस इंसान का ना केवल नाम बताएंगे, बल्कि इस इंसान के बड़े में पूरी जानकारी बताएंगे, और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जैसा कि आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। और इस उपाय को मंत्र एक बार कर लेने से आपका बड़े से बड़ा शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपके सामने फिर जीवन में कभी खड़ी होने की शक्ति इकट्ठी नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत परेशानियां से गुजरे हैं। जो थोड़ी बहुत खुशियां आपको हासिल हो पी हैं, उसमें भी दूसरों की नजर तुरंत गा बनती है। जहां आपको कुछ अच्छा समय या अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, वही दूसरों की काली नजर आपके जीवन में फिर से कड़क्लेश का माहौल तैयार कर देती है। तो इसी के लिए हम आपको एक ऐसा मंत्र भी देने जा रहे हैं, जैसे यदि आप जब भी दिन में आपको मौका लगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, उसे मंत्र का यदि आप 11 बार जब कर लेंगे तो आपके जीवन में किसी की भी नजर कभी नहीं लगेगी और आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास बना रहेगा। जी हां दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक एक भाग को बारीकी से समझना की कोशिश करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी खुशियां हासिल की हैं, उनकी आपने बहुत बड़ी कीमत भी चुके हैं। आपको जो भी कुछ मिला है, वह इतनी आसानी से नहीं मिला है, तो आप उसे इतनी आसानी से गवाएंगे भी नहीं। और अब आपको यह कष्ट और नहीं भोगना होगा कि आपके लिए अब हम ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली समाधान लेकर आ गए हैं कि आपकी एक एक तकलीफ को चुन चुनकर दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन के लिए बहुमूल्य जानकारी अपने वीडियो के मध्य से लेट रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही मेहनत के बाद इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाता है, और आपसे बस हम इतना सा सपोर्ट चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाता है, आपको जरा भी फायदा हो जाता है, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना। अपने दोस्तों याद रखें कि जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और माता की कृपा की आवश्यकता तो इस धरती के हर एक जीव को हमेशा रहती ही है। तो मंत्र शक्ति को प्रणाम करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि आपने वीडियो में नाम तो बताया ही नहीं है। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि वीडियो बनाने की जल्दबाजी की वजह से ऐसा होता है, वरना हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको उसे व्यक्ति का नाम भी बताएं। तो आज के इस वीडियो में खास तौर पर हम आपको उसे इंसान का नाम भी बताएंगे जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका विनाश करना चाहता है, आपको जड़ से मित देना चाहता है। जब जब आपके जीवन कल में खुशियां आई हैं, आपको सुकून मिला है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, इस इंसान की छाती पर सांप लौटते हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं तो आपके अपने ही, लेकिन आपकी खुशियों में ऊपर से तो महसूस होना दिखाई है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बड़े में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, उन्हें बहुत बड़ा लगता है। और ऐसे ही लोग आपको पीड़ाएं पहचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, और कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वे कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगता है, और उनका आपके ऊपर निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। जी हां दोस्तों, और हम आपको यह भी बता दें कि आपकी राशि की जातक बहुत ही सीधे और सच्चे होते हैं,
वे इन प्रकार की बटन को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं और थोड़ा बहुत यदि इन्हें ज्ञान होता भी है तो आप लोग दिल के इतने प्रेमी होते हैं कि आप किसी का भी अहित करने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। इसी चक्कर में आप चाहे अनचाहे इस डर रहते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बता दें कि इस समय आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जिन से पूर्ण रूप से दूर रहना है, वरना आपको बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन कल में यदि गहराई से अनुमान लगाया है तो आपकी सबसे बड़ी परेशानियां में से एक परेशानी जो कि सबसे बड़ी परेशानी है वह धन की परेशानी यानी रुपए पैसे की परेशानी ने आपका अब तक पीछा नहीं छोड़ है और आगे भी आपको रुपए पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में या फिर कहानी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे। व्यापार के तौर पर तो आपको इस समय नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और उधर लेने भी देने के लिए भी आपकी राशि के लिए यह समय अभी उचित नहीं है। आपको यह समय दाल देना चाहिए। लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप किसी को भी उधर दे सकते हैं या फिर आप उधर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको रुपए पैसे से संबंधित थोड़ा सा और ज्ञानवर्धक विचार बता देते हैं। दोस्तों, यदि आप इसे अपने दैनिक जीवन कल में उपयोग करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अगर 100 खर्च करेंगे तो आपको 1000 रुपए की आवक कहानी ना कहानी से निश्चित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि रुपए पैसे एक ऊर्जा है, जैसे माता लक्ष्मी है उनकी हम फोटो में पूजन तो करते ही हैं, लेकिन वे उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। माता लक्ष्मी अल में एक ऊर्जा स्वरूप है, तो आप रुपए पैसे की ऊर्जा को यदि आकर्षित करना चाहते हैं और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बटन का विशेष ख्याल रखना होगा। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। जब आप रुपए पैसे किसी को देते हैं या आप बाजार से कोई समाज खरीदने हैं, तो यदि आप कैश में रुपए दे रहे हैं तो आप रुपए का फोल्ड किया हुआ, जैसे आप नोट फोल्ड करते हैं तो उसका जो मुंडा हुआ हिस्सा है उसे आप दुकानदार की तरफ करें और नोट के जो खुला हुए 2 चोर हैं वे अपनी ओर करके रखें और वैसे ही उसे नोट को दुकानदार को दे। अगर आप ज्यादा नोट भी दे रहे हैं तभी आप उन्हें ऐसे ही फोल्ड करके दें और फोल्ड वाला हिस्सा दुकानदार की तरफ हो और खुला हुए चोर आपकी तरफ मुंह करके हो। जी हाँ दोस्तों, तो पहले काम आपको यह करना है। दूसरा, आपको माहिमा यह अंक बोलना है। 7, जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, 7 अंक। जी हाँ दोस्तों, आपको यह अंक बोलना है और बाद में यह बोलना है कि आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना, आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी भीम कुछ इस प्रकार रहेगी। ध्यान से सुन कि आपने रुपए का फोल्ड किया हुआ हिस्सा दुकानदार को दिया और मां ही मनी है बोला कि 708। आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना एक बार बोलेंगे, उतने से ही कम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आप जो धन की ऊर्जा है, रुपए पैसे की ऊर्जा है, उसे अपने पास ही कैद करके रख लेते हैं या यूं कहें कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब यदि वह पैसा वापस रहा है आपकी तरफ से तो वह तुरंत ही जल्दी ही कई गुना बनकर आपके पास वापस भी ये जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप छोटे छोटे प्रयोग से बड़े बड़े चमत्कारी बदलाव अपने जीवन कल में कर सकते हैं और आपको यह भी यकीन करना होगा दोस्तों कि यह सारे उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं। इस संसार में कई बड़े बड़े कामयाब लोग भी हैं जो कि छोटी छोटी उपाय अपने जीवन कल में करते रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग में एक तो अक्षर एक्स्ट्रा में जोड़ लेते हैं या फिर हटा लेते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन के नाम में आगे हाँ लगा हुआ है जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसने हाँ लगाया हुआ है। कई और भी उदाहरण हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ बताने का समय नहीं है, लेकिन यह तो केवल एक उदाहरण था जिससे आपको ये यकीन होगा कि उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं, उपाय संसार में और भी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन किसी होटल में तरंगे तो उनके रूम का नंबर 9 ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन करें, ये बात बिल्कुल सच है और वे हमेशा अपनी उंगली में एक नीलम धारण करके रखते हैं। तो ये सब बातें बड़ी बड़ी लोग भी मानते हैं, तभी शायद वो बड़े बन जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो इन बटन पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं और हमेशा जीवन भर कष्ट पाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए कि हमारा जीवन ऊर्जाओं से संचालित होता है, भौतिक शरीर भी ऊर्जाओं से संचालित होता है। यदि आप इस शरीर को भजन ना दें, विश्राम ना दें, ऊर्जा का संचार इस शरीर में व्यवस्थित ना हो तो यह शरीर भी कम करना बैंड कर देता है और बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो आपको यह बात बारीकी से समझनी है और इन्हें प्रयोग करना है।
चमत्कार निश्चित ही होंगे जी। हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर सटक रहना है, यह तो बात बिल्कुल ही निश्चित हो गई है। दूसरा, आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सटक रहने की आवश्यकता है। आपको अपने कंकाल में व्यायाम, योग, प्राणायाम वगैरह को भी जगह देनी होगी दोस्तों, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखना की भी आवश्यकता है। और आप जब रात में सोए, अपने सिरहाने पानी का एक बर्तन रखकर अवश्य सोए। जी हाँ दोस्तों, इसे आपका मंगल मजबूत राहत है और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत राहत है। तो यह हो गया आपका उपाय, आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए बस छोटा सा उपाय है। यदि आप इसकी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर लाल टीका लगाएं और लाल रुमाल अपनी जब में रखें। बस इतनी सी आपका मंगल मजबूत रहेगा, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारे खाने से कुछ दिन के लिए, यानी कि लगभग 11 से 21 दोनों के लिए, अपनी मध्यम उंगली में लोहे का एक छल्ला पहन लेने। इससे आपका राहु भी आपके पक्ष में हो जाएगा, जो कि अभी आपको थोड़ा बहुत परेशान करने में लगा हुआ है। इससे आपकी विचारधारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। खाने का मतलब यह है कि आपके मां में अपने आप ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपकी और धन लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। चमत्कार रातों रात नहीं होते दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आपके हाथों से ऐसे कम होने लगता है कि रुपए पैसे आपकी और आकर्षित होने लगता है, लोग आपसे जुड़ने लगता है और आपकी और आकर्षित होकर आपके हर एक कार्य में आपकी मदद करने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप छोटे छोटे उपाय करें तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो ग्रह गोचर के आधार पर थोड़ी बहुत हमने आपको जानकारी दे दी। अब हम आपको बताएंगे कि आपको वह कौन सा इंसान है जो बहुत परेशान कर रहा है, आपका जीना मुश्किल कर रखा है। उसे आप अपना दुश्मन भी कह सकते हैं, हालांकि आप मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर कुछ इस प्रकार के इंसान हैं कि आप किसी से कठोर दुश्मनी नहीं मानते हैं, आप करने के लिए भी बड़ा नहीं सोचती है। आप मां से बड़े ही प्रेमी और नेक इंसान हैं, लेकिन लोगों का क्या करें, वे तो हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा सटक होना है और कुछ ऐसी कम करने हैं जिससे कि आपकी कामयाबी में लोग बाधक ना बने। जी हां दोस्तों, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आप करेंगे तो आपका शत्रु का नस हमेशा के लिए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, ना खाने का मतलब यहां पर कोई अनर्थ होना नहीं है, नस होने का मतलब यहां पर यह है कि उसके मां में आपके लिए शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा और वह आपसे दूरी बना लगा अपने आप। जी हां दोस्तों, वह आपकी जीवन में कभी आड़े नहीं आएगा, आपके जीवन में रुकावट है खड़ी नहीं करेगा। इन उपाय से किसी का अनर्थ नहीं होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, किसी के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होगा, बस आपका जीवन सरल हो जाएगा और वह इंसान आपके बड़े में सोचना छोड़कर किसी और चीजों को सोने लगेगा, कहानी और व्यस्त हो जाएगा। इसे ही शत्रु का विनाश करना कहते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह मंत्र जिसे आप जब भी आपको बड़ा लगे, आपका मां खराब हो, आपको लगे कि आप परेशानियां में फंस चुके हैं, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस मंत्र का मां ही मां उच्चारण कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में हो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए आपको विशेष विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, यह सर्व बड़ा मुक्ति मंत्र है और बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ 11 बार इसे जप करने से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। जी हां दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुन, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा, तो ध्यान से सुन मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नरसिंह ही तन्नु नरसिंह प्रचोदयात। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। संगीत नरसिंहाय, बिगिनरी बाजरा ना खाए, धीमा ही तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। जी हां दोस्तों, मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आप इसे कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर लेने और आप इसे याद कर लेने, 2-4 बार आप इसे भूलेंगे आपको याद हो जाएगा। यह मंत्र इतना कठिन नहीं है, तो इससे आपका मां शांत होगा, आपकी हर एक मानसिक परेशानी दूर होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको ध्यान से सुना है एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपकी किसी भी शत्रु से आपकी मुक्ति कर देगा, उसे शत्रु का ध्यान पलट देगा, वह आपकी ओर नहीं फिर कहानी और विचारशील हो जाएगा, आपके बड़े में सूचना भूल ही जाएगा। इसे शत्रु का विनाश करना कहेंगे, तो यह उपाय मां भद्रकाली को समर्पित है दोस्तों। इस संसार में किसी भी बुरी शक्ति, बुरी संभावना
और बुरे विचार को विपरीत पलटने की शक्ति केवल और केवल माता काली के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ काली स्वयं शक्ति का जागृत और प्रचंड स्वरूप, तो आप जब भी भयंकर आपदाओं में फंसेंगे तो आपको निकालने का काम माता काली ही करेंगे। तो यह उपाय भी माता भद्रकाली के लिए समर्पित है। दोस्तों, याद रखना कि माता काली और भद्रकाली में कोई अंतर नहीं है। जब माता को बहुत क्रोध आया तो वो बन गई प्रचंड विकराल रूप स्वरूप काली, और जब माता शांत हुई तो बन गई भद्रकाली है। एक ही ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ध्यान से सुना है कि उपाय क्या है और कैसे करना है। दोस्तों, यह उपाय आपको अमावस्या की रात को करना है, और यदि आप अमावस्या की रात को इसे नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी रविवार की रात को यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुन कि आपको करना क्या है। है तो रात्रि को लगभग 9 बजे या 10 बजे के आसपास आपको अपनी पूजा घर में बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। जी हाँ दोस्तों, कल कपड़े का आसन बनाना है और उसके ऊपर माता भद्रकाली की फोटो को स्थापित करना है, और सच्चे मां से माता का आवाहन करते हुए माता का पूजन करना है। पूजन में हो सके तो लाल रंग या कल रंग के फूल चढ़ाई, लाल या कल रंग का ही प्रसाद चढ़ाई, और पूजन करते समय माता के सामने एक नींबू अवश्य रखें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुना है, इस भीम को जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको उसे नींबू के ऊपर लाल रंग के सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिख लेना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग से उसे शत्रु का नाम लिख लेना है, और पूजा समाप्त होने के बाद आपको माता के सामने उसे नींबू को कैट देना है। जी हाँ, यह बिल्कुल साधारण सी भीम है। और इसके बाद आपको इस मंत्र की 11 माला जप करना है। मंत्र आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई देगा। मंत्र को ध्यान से सुन, क्रीम शत्रु नशनी क्रीम। फैट, जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्रीम शत्रु नशनी क्रीम फैट। दोस्तों, इस मंत्र की आपको 11 माला जप करनी है। बस आपकी पूजा समाप्त हो गई है, आपका प्रयोग पूर्ण हो चुका है। अब आपको इस प्रयोग के पूर्ण होने के बाद माता से माँ ही माँ अपने जीवन के बड़े में चर्चा करनी है, उन्हें अपनी परेशानियां बतानी है। और जी इंसान के लिए आपने यह प्रयोग किया है, उसे इंसान के बड़े में भी बता देना है। अब सारी जिम्मेदारी माता की हो गई। माँ आपके लिए उसे इंसान की सोच विचारधारा सब पलट देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपसे फिर भी यह कहेंगे कि कोई इस उपाय को तभी करें जब आप पूरी तरह से अस्वस्थ हो कि यह इंसान सचमुच में आपका प्रचंड शत्रु है, तो ही इस उपाय को करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मामूली सी बात को लेकर इस उपाय को किसी के लिए ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने उपाय को कर दिया तो उपाय फिर वापस नहीं आएगा।